आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालता है और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कैसा व्यवहार, कैसा आचरण करना चाहिए। पंडित जी, आचरण और कर्म सीधे सीधे जीवन को प्रभावित बिल्कुल करते हैं। तो आचरण और कर्म ठीक रखे जाएं तो क्या लाभ होता है, अगर ये गड़बड़ हुए तो क्या परेशानी होती है और क्या उपाय करें? जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि उनका आचरण अच्छा रहे, कर्म बढ़िया रहे, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, आपके कर्म ही आपके भाग्य की दिशा तय करते हैं। जो आज का कर्म है वो भविष्य का भाग्य बनता है, जो आज का आचरण है वो भविष्य का रिश्ता बनता है। आपके आचरण और आपके कर्म बहुत स्पष्ट रूप से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके आचरण और आपके कर्मों का संबंध आपकी आजीविका से है, आपके रोजगार से है। अगर कर्म और आचरण शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या पैदा होती है, रोजगार में दिक्कतें आती है। अगर कर्म शुद्ध नहीं होगा तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे और तमाम प्रयासों के बावजूद कभी भी आप स्थिर नहीं होंगे। आचरण जैसे जैसे सुधरता जाता है वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर होने लगती है। आप देखिए कि आप जो कर्म करते हैं, आप किसी पद पर हैं, किसी पोजीशन पर हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते, नौकरी में व्यापार में बेईमानी करते हैं, एक दिन वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी। इसीलिए अपने कर्म और अपने आचरण में बेईमानी ना करें, शुद्धता बनाए रखें। अगर आप अपने कर्म और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो सुबह और शाम या तो ध्यान करें, और अगर ध्यान नहीं कर पाते तो सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नमः शिवाय 108 बार सुबह और नमः शिवाय 108 बार शाम को, दोनों समय यही अगर आप कर लें तो इससे भी आपके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए? अगर मंगलवार को कर्ज लिए तो क्या परेशानी होगी? प्रवीण जी, ज़्यादातर लोग खासतौर से बिजनेस कम्युनिटी में ऐसा मानते हैं कि मंगलवार को कर्ज का लेन देन मत करो, इसीलिए बहुत जगहों पे बाजार मार्केट मंगलवार को बंद रहते हैं कि कर्ज लेने देने की नौबत ही ना आए। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज आप कभी नहीं चुका पाएंगे, आप कर्ज में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे। ज्योतिष में मंगल को दायित्वों का, कर्जों का स्वामी मानते हैं और मंगलवार के दिन को मंगल ग्रह से संबंधित मानते हैं। तो लोगों की ये अवधारणा है कि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेंगे तो कर्ज वाला मामला एक्टिव हो जाएगा और आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे। इसलिए सामान्यतः मेरी भी सलाह यही है कि मंगलवार को कर्ज लेने से बचिए और जहां तक संभव हो सके बुधवार को कर्ज का लेन देन करें तो वो सरलता से, सफलता से कर पाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।